नस जो दब जाती है वो सिर्फ यही नहीं कि मनको की वजह से दबती है कि मनको में दिक्कत हो रही है, कई बार हमें जो है पेट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस मिलती है कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में, इनके लेफ्ट साइड में भी टाइट है, राइट साइड में कुछ टाइट है, नीचे थोड़ा टाइट है, देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनका जो है L5 का लेवल आता है, जहाँ पे L5S1 में नस दबती है शायटिका की। इनको जो है यूरिन की दिक्कत भी थी, ठीक है, और इसकी वजह से जब ये पानी पीते थे तो पानी तो पी रहे, इनको प्रेशर बनता था, पर यूरिन इनका पास नहीं हो पाता था। तो आज इनका चौथा या पांचवा सेशन है, तो हमने काफ़ी इनको ठीक करा है इसमें। और जो मैं केस बता रहा हूँ बिल्कुल अलग है। ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं, हम लोग डिस्क बल्ज की बात करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, हाँ डिस्क बल्ज है तो इस तरीके से। आज हम बात कर रहे हैं लिस्थिसिस की, जिसमें एक जो वर्टिब्रा होता है वो आगे की तरफ खिसक जाता है। अब जो वर्टिब्रा आगे की तरफ खिसक गया, तो हम अगर अपने आप को ऐसे लूज छोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमसे बैठा भी नहीं जाएगा, हमसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहेगा, और पूरे पैर की नस पर दर्द आएगा। तो इसके लिए, क्योंकि अब कंडीशन अलग है, तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो भी बिल्कुल अलग होगा, जो अभी तक नहीं करा गया है। तो इसका जो ट्रीटमेंट हमने पूरा डेवलप भी करा है, जो मैंने नहीं देखा किसी को यहाँ पे पूरे इंडिया में करते हुए। तो अभी जैसे ये है, ठीक है, ये एरिया, अब इसके पीछे पूरी हमारी स्पाइन है, और क्योंकि इनको यूरिन की दिक्कत भी थी तो हमने पूरा सारा एनालाइज करा। अब जब हम ये सारा देख रहे हैं, इसके साइड में जैसे देखो ये मैं दर्द देखता हूँ, ठीक है, ये काफ़ी दर्द है। अब ये जब टाइट रहेगा तो जो पेट है वो मनके को आगे की तरफ खींचेगा। तो जब मन का आगे की तरफ आएगा तो अंदर कमर में जगह कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कमर की मांसपेशियों को दबाएगा, नसों को दबाएगा, तो उनसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जाएगा। साथ में अगर ये सोचे कि हाँ मैं थोड़ा सा वेट कंट्रोल भी कर लूँ, कि वेट कम करने की भी कोशिश करेंगे, तो इन टाइट मसल्स की वजह से वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए, अभी देखिए मैं जब यहाँ कितना डीप जा रहा हूँ, इनको पेन उतना ज़्यादा यहाँ पे ये लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि करते करते बिल्कुल कम हो जाएगा। अभी यहाँ देखिए, ये जो मैंने बताया था, ये L5 के एरिया, ये देखिए वहाँ देखिए अभी आप, तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल टाइट हो जाता है, और जब तक हम इसको आगे से लूज़ करेंगे नहीं तो मन का पीछे जाएगा नहीं। तो अब मैंने जो है इस पर काफ़ी लूज़ कर लिया है, ठीक है, और अब ये मन का जो है धीरे धीरे पीछे जाना शुरू हो जाएगा। अब इसके आगे, अब जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो इनको यूरिन की प्रॉब्लम की थी, जो हमने लगाए हैं, तो अभी मैम जो है ये लगाएगी। और ये उस केस में है कि अगर आपको पानी पी रहे हैं और आपका अगर यूरिन रुक रहा है, आपको फील हो रहा है कि हाँ आपको जाना है बट आपका यूरिन पास नहीं हो रहा, तो ये पॉइंट्स उसमें काम आएंगे। मैम इस केस में जो है स्टार मैग्नेट लगाएगी, बट आप लोग यहाँ पे मेथी दाना भी लगा सकते हैं, इससे हम इनको ठीक कर चुके हैं। तो मैम आप बताइए अभी आगे आपने अभी इनका क्या करना है ट्रीटमेंट, और अभी आगे कैसे आप करने वाले हैं। जी तो इनको यूरिन नहीं पास हो रहा था, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो रही थी, पानी ये रेगुलर पी रही थी, पर लेकिन जो इनको प्रेशर बन रहा था यूरिन का बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो उसके लिए हमने इनको मैग्नेट थेरेपी करी है और एक्यूपेंचर थेरेपी की है, जिससे इनको काफी रिलीफ आया है और यूरिन में अब इनको रेगुलर यूरिन इजिली पास हो रहा है, और सुबह से भी ये 2-3 बार जा चुकी है। और इनके हमने ये कुछ पॉइंट बनाए हैं, जैसे आपको ये दिख रहे होंगे 1, 2, 3, तो ये इनके किडनी के पॉइंट्स हैं, तो इसके ऊपर हम ये मैग्नेट की हेल्प से इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो हम इसके ऊपर लगाएंगे और ये मैग्नेट्स इनको लगे रहेंगे कुछ घंटों के लिए, और इससे इनको काफी हेल्प मिलेगी। जैसे आपने ये देखे हैं मैग्नेट, तो ये इनके हमने पहले भी लगाए हैं, 3 दिन लगाए हैं, जिससे इनको बहुत रिलीफ मिला है। 3 दिन के ही ट्रीटमेंट से इनको बिल्कुल आराम है और इनको यूरिन में भी बहुत अच्छे से पास हो रहा है। तो पहले इनसे एक बार पूछ लेते हैं इनको क्या चेंज आया है, ठीक है, आप बताइए हमें आपको चेंज क्या आया है पहले से। पहले से चेंज ये है कि मेरे को यूरिन पास हो रहा है, हाँ, जबकि मेरे को बिल्कुल भी यूरिन नहीं आता था, हाँ, रुकता था यूरिन, हाँ, और दर्द में भी आराम है। और कितने टाइम से था आपको जो यूरिन की प्रॉब्लम? एक एक साल 1.5 साल हो गया। 1 साल से। तो आपको फील क्या होता था जब आप पानी पीते थे, आपको फील क्या ही होता था कि होता मेरे था? को यूरिन का प्रेशर बन रहा है, हाँ, और मैं यूरिन के लिए जाती हूँ, हाँ, लेकिन मुझे आता नहीं है। हाँ, और अब फर्क क्या पड़ा है उससे जो हमने अब रेगुलर यूरिन आ रहा है।
अब रेगुलर नॉर्मल, अब आपको ऐसा नहीं लगता रुकता, और आप पानी बिना डर के पीते हो। हाँ। तो जब मेरे पास आए थे तो ये बता रहे थे मेरी नस दबी हुई है, लेकिन जब मैंने देखा कि क्योंकि हमें जो स्किन टोन से पता चल जाता है कि उन्होंने पानी कम पिया हो, तो हमें ट्रीटमेंट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बॉडी आपकी डिहाइड्रेट होती है, सूख जाती है, और मैं इनका प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं कर पाता। तब मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम है या पानी कम पी रहे हो, तो उन्होंने बताया मैं पानी कम पीती हूँ क्योंकि मुझे ये कंडीशन है। तो इसीलिए तो मैंने फिर मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इनकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग भी आ जाए क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। तो इस कंडीशन को जो है वो वाटर रिटेंशन बोलते हैं, तो यूरिन रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं अभी। क्योंकि अब मैंने एक तरफ से जैसे मैंने दिखाया था कि मैंने इनका मन का जो है आगे से ही, क्योंकि आगे खिसका था उसको पीछे करा है, अब हम एक ड्रॉप टेबल टेक्निक करने जा रहे हैं जिससे इनका जैसे छोटा बड़ा पैर है उसको बराबर करेंगे। अभी आप उल्टा लेट रहे हैं, अभी आपको उल्टा जी आपने कहा उल्टा लेट रहे हो भैया। तो प्रॉपर जो है क्लिनिक में प्रॉपर एक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जो शॉर्ट टर्म में करते हैं वो अलग है, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा पीछे हो जाइए, नीचे हल्का सा नीचे खिसकना है, ठीक है। तो पहले तो देखो मैं आपको इनके पैर दिखाता हूँ, यहाँ देखो। अभी पहले देखते तो बहुत ही छोटे थे, अभी आप ये दोनों पैर को देखो, ये थोड़ा सा लंबा पैर है, ये छोटा है, ठीक है। कैसे हम देख पा रहे हैं, ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे इनका जो ये दो जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये एक जो है बिल्कुल ऊपर गया हुआ है और एक नीचे गया हुआ है। अब क्योंकि इनके यहाँ पर डी जनरेशन है तो मैं इनको साइड में लिटा के अलाइनमेंट नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो स्पेसिफिक है ये ड्रॉप टेबल बना हुआ है जिससे हम लोग बिना किसी इनको फोर्स दिए, ये शॉक एब्जॉर्बर है, शॉक जो इसका जो आप आवाज़ सुनेंगे ये पूरा शॉक इसके अंदर टेबल में ले लेता है, ठीक है। तो हम इससे इनका अलाइनमेंट करने वाले हैं। तो इसमें हम चार फैक्टर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, तो अब जैसे ये जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे दो जो गड्ढे होते हैं, अब हमें देखना होता है क्या ये ऊपर है, क्या ये नीचे है, क्या ये अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, ठीक है। ऐसे ही सेम में अब इनके केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो जॉइंट है ये बाहर की तरफ भी निकला हुआ है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ भी है। तो मुझे इसको इस वे में सेट करना है, अलाइन करना है कि ये अपनी जगह पे आ जाए और ये दूसरा जो है इससे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो क्योंकि जब ये न्यूट्रल आएगा, ठीक है, जैसे कि अभी इस तरीके से है, अभी इसको मुझे मैं इस तरीके से लाऊंगा तो ये प्रॉपर बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते ड्रॉप करते ये, यहाँ से मैं इसको लाया बराबर, और इससे इनको कोई दर्द नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई भी ट्रीटमेंट है वो पेनलेस है ये। तो ऐसा मैं 5 से 6 बार करूंगा, ठीक है। और एक जो क्योंकि मैंने ये बताया था कि ये ऊपर की तरफ है तो मैं इसको नीचे की तरफ पुश करने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप बैठिए, अभी इसका एक लास्ट सेगमेंट रह गया, मैं कप वाला दीजिएगा, बैठना है आपको। पहले ये उठ पाती थी आप ऐसे, पहले ऐसे बैठ पाती थी? हाँ बैठ जाती। अभी आप ऐसे करके बैठो, रिलैक्स, अभी आप वैसा कर पा रहे हो? हाँ। नहीं अभी वो जो पहले चीख रहे थे एक तरफ वो नहीं है ना। तो अभी जो मैंने पेट से करा, एक तो उससे मन का पीछा है, अब एक चीज और दिखा रहा हूँ कि लास्ट है इसमें जो हम करते, ठीक है। अभी जो है नॉर्मली आप देखते हैं हम कप सभी के साइडों में लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, बीच में नहीं लगाते। इस केस में केस क्या था, क्योंकि मैंने बताया ये आगे है तो नॉर्मली जब हम बैठ रहे तो ये सारे पीछे की तरफ आने चाहिए। तो मैंने देखा कि जो ये इनका ये एक मन का है L5, ठीक है, वो पीछे की तरफ नहीं आ रहा था। तो अब क्योंकि बायोमैकेनिक्स इस तरीके से होते, जब सारे मन के पीछे नहीं आएंगे तो दबाव कमर पे ज़्यादा पड़ेगा। अब यहाँ पे कप लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कप लगा दिया और इससे ये मन का जो है ये पीछे की तरफ खींच लेगा और सारा जितना भी प्रेशर है वो हट जाएगा। तो आप भी इस तरीके से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो सबका केस अलग होता है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं पहले, ठीक है। आप करनाल प्लस चैनल को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है गौतम बत्रा, बनारसो देवी स्पाइन क्लिनिक से, न्यू दिल्ली से। थैंक यू सो मच।